हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। अब फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब इसमें मैं जितना मैं आपको देने जा रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रिया, इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके बेटा, तो सभी लोग इसको ध्यान से इतनी प्रैक्टिस करके जाइए। तो आप लोग क्या करो, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ अभी सोल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इनके सोल्यूशन डालने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं उसके अंदर इसकी पूरी पीडीएफ बना के डाल दूंगा, तो आप उसमें से इसको लिए कर लेना, ठीक है, सोल्यूशन को। ओके बेटा, तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें न्यूमेरिकल आता है, इसका फॉर्मूला करके न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। ओके, फिर सेकेंड है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ये एसिड बेस की थ्योरी, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर ओस्टॉल डाइल्यूशन लॉ, इनके डेरिवेशन न्यूमेरिकल प्लस, और एक वर्ड होता था इसका, कभी कभी क्या होता है डेरिवेशन भी आ जाते हैं, तो डेरिवेशन भी पूरा कर लेना, ठीक है ना, डेरिवेशन भी लिख दे रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका। फिर पीएच स्केल पूरा कर लेना, और इसके इससे बेस लेना पीएच और पीओएच पर, न्यूमेरिकल आते हैं पीएच प्लस पीओएच पर न्यूमेरिकल्स, वो भी आप उसको तैयार कर लेना। यहाँ मैं डाल देता हूँ कुछ पार्ट में पीएच स्केल में, तो सब आ जाता था, कंप्लीट लिखने की जगह पे ऐसा करता हूँ, पीएच प्लस पीओएच के न्यूमेरिकल्स आप रेडी कर लीजिए इसके। ओके, हो जाएगा ना, तो इसको मैं यहाँ कंप्लीट भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंप्लीट भी लिख देता हूँ, ये बहुत काम का है भाई। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इसको कंप्लीट करना है, इसमें क्या होता है छोटे छोटे से इसके एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन आते हैं इसमें छोटे छोटे, वो आपको रेडी कर लेना है इसको पूरा, छोटे बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट रहता है तो उसके क्वेश्चन आते हैं, वीक सॉल्ट स्ट्रांग सॉल्ट, या दोनों स्ट्रांग दोनों वीक, एक वीक एक स्ट्रांग, ऐसा रहता है। तो उसके सॉल्ट को तैयार कीजिए, छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स आते हैं वो तैयार कर लेना इसके, ठीक है। बफर सॉल्यूशंस ये आपको कंप्लीट करना है, बहुत इजी पार्ट है। और कॉमन आयन इफेक्ट ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसको कॉमन आयन भी आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट ही कर लेना है, बस बाकी कुछ है ही नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अभी लास्ट ईयर इसका एक टेस्ट हुआ था, बस लास्ट ईयर के पेपर में आए थे, उसके पहले तो वो आए नहीं है, क्योंकि 2 साल ही हुए इसको ऐड हुए, इस सिलेबस को आयनिक इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर मतलब सिलेबस में ऐड हुआ, तो इसको आप कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। तो अभी मैं वही कहूँगा कि आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपका 100% आपको क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है, जिसके कारण आपके साथ उनका भी भला होगा, और चैनल को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी कीजिए। ओके बेटा, टेंशन मत लीजिए, आपका मैं पूरे चैप्टर्स डाल दूंगा इंपॉर्टेंट, फिर मैं कोशिश और करूँगा कि इनके एक्सप्लेनेशन भी दूँ करके, ठीक है ना बेटा, चलिए ओके बाय।